नमस्कार दोस्तों हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर यूपीएससी वीकली क्वेश्चन नाइन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देखिए टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक से उठाया है क्वेश्चन तो मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आपको वीडियो पॉज करना है कई लोगों का कमेंट आया था कि आंसर देने का टाइम नहीं मिल रहा है मैं आपको टाइम नहीं दे सकता आपको वीडियो केवल पॉज करना है स्क्रीन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ठीक से पढ़ना है स्टेटमेंट्स पढ़ना है फिर आंसर देने की कोशिश करना है फिर हम आंसर भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन टेम श्रिंग फ्लेशन ऑफन मैंशन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वीडियो पोस्ट कीजिए फिर स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिए ना द आंसर इज ऑप्शन ए इट इज वेन ए प्रोडक्ट डाउन साइस इट्स क्वांटिटी वाइल कीपिंग द सेम प्राइस देखिए एक एग्जाम्पल बता देता तो हूँ आपको मान लीजिए आप एक लेस का पैकेट खरीद रहा है लेस का पैकेट का प्राइस है टेन रुपीज टेन रुपीज में आपको मान लीजिए पचास ग्राम लेस मिल रहा है मान लीजिए लेस का जो कंपनी है वो क्वांटिटी कम करके आपको टेन रुपीज में ही वही पैकेट दे रहा है इसे बोलते हैं श्रिंग फ्लेशन श्रिंग फ्लेशन अकोर्स वेन मेटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक प्रोडक्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव वन देर इज इंडियंस कॉम्पिटिशन द मार्केट एज अ रिजल्ट इनस्टेड ऑफ रेसिंग प्राइसेस They might जस्ट गिव लेस ऑफ द प्रोडक्ट सोज टू मेंटेन their प्रॉफिट मार्जिन तो अपना प्रॉफिट मार्जिन को maintain करने के लिए वो क्या करेंगे प्राइस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है पर जो क्वांटिटी आपको दे रहा था ना वो कम करेंगे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पार्ले जी का जो पांच रुपये का पैकेट आता है पहले क्या होता था पांच रुपये में आपको और क्वांटिटी मिलता था आजकल उन्होंने क्वांटिटी कम किया है पर पिछले दस बीस साल से पार्ले जी का पैकेट का जो सबसे छोटा पैकेट का प्राइस पांच रुपया ही है पर क्वांटिटी आप देखोगे तो कम हुआ है ये प्रोसेस को श्रिंक फ्लैशन बोलते हैं दोस्तों ठीक है बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा सो द आंसर इज ऑप्शन ए इट इज वेन ए प्रोडक्ट डाउन कीपिंग द सेम प्राइस समझ गए क्वेश्चन नंबर टू ऑपरेशन मेघ चक्र समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में हमने डेली न्यूज में भी डिस्कस किया था आंसर बताने की कोशिश कीजिए नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल जिसे सी एस ए एम भी बोलते हैं देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर्चेस कंडक्ट किया था अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी आज पार्ट ऑफ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल देखिए काफी सारे इलीगल वेबसाइट्स में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मेटीरियल स्प्रेड होता है दोस्तों सर्कुलेट होता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए सी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघ चक्र तो ऑपरेशन कॉट नेम्ड मेघ चक्र इज बींग कैरिड आउट फॉलोइंग द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम इंटरपोल्स सिंगापुर स्पेशल यूनिट बेस्ड ऑन द इनफॉर्मेशन रिसीव फ्राम द अथॉरिटीज़ इन न्यूजीलैंड तो बेसिकली मेघ चक्र जो ऑपरेशन सी बी आई ने तब कंडक्ट किया जब इंटरपोल का सिंगापुर स्पेशल यूनिट से मैसेज मिला था वैसे इंटरपोल इंटरनेशनल एक पोलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल को अगर इंडिया में कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है तो वो कॉन्टैक्ट करने का सॉरी वो सबसे पहले CBA को करते करते हैं हैं ये आप ध्यान दीजिएगा एक सवाल है CBA किस एक्ट के ऊपर अपना ठीक है सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है पर एक एक्ट है जिसमें सीबीआई को पवर्स देते हैं वो कौन सा एक्ट है पुझे? आप मुझे बताइए नाउ और एक ऑपरेशन सीबीआई ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन कार्बन भी आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री

हर दिन कोई ना कोई एक न्यूज़ आते हैं अटोर्नी जनरल के बारे में उनके नीचे जो सोलिसिटर जनरल है उनके बारे में ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या है द अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव ओबीसी बात है दोस्तों ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सेशन भी अटेंड कर सकता है पर वो वोट नहीं कर सकता एक एमपी को जितने भी प्रिवलेजेस वगैरह मिलते हैं ना वो अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं ही इज द टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई एज लिमिट भी नहीं है अभी प्रेसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है आप मुझे बताइए रिसेंटली वो चेंज हुआ था वैसे इससे पहले के के वेणुगोपाल साहब थे ठीक है के के वेणुगोपाल साहब करीब 80 साल के थे इसलिए मैं बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई एज लिमिट नहीं है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का सिक्सटी फाइव है हाईकोर्ट जजेस का सिक्सटी टू है सबका है एक एज लिमिट पर अटोर्नी जनरल का नहीं है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए सेकंड स्टेटमेंट है ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एस ए जज ऑफ हाई कोर्ट ये गलत है दोस्तों क्यों गलत है देखिए एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू टू बी अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया हाई कोर्ट नहीं है इनका जो टेम ऑफ द ऑफिस है वो भी फिक्सड नहीं है वैसे दो या तीन साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट रहता है इसके बाद चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सटेंशन भी दे सकता है ठीक है केके वेणुगोपाल साहब को एक्सटेंशन दिया गया था एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों द टर्म ऑफ ऑफिस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंने आपको बता दिया इनका जो टर्म ऑफ द ऑफिस है वो फिक्स्ड नहीं है रेफरेंस टू इंडिया हाइपर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द्विच ऑफ और आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए बी टू ओल्डी स्टेटमेंट वन गलत है दोस्तों देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या है ये लॉन्च हुआ था 2017 तो 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 में इट एम्स टू अचीव द government's गोल ऑफ ए 25 relative परसेंट रिलेटिव रिडक्शन blood ब्लड प्रेशर 2025. टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव देखिए इंडियंस में हाइपर का प्रॉब्लम तो है हाइपरटेंशन मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है ब्लड ब्लड बसल्स के जो दीवार है उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं ठीक है थीके? तो स्टेटमेंट वन में जो लिखा है ना टू प्रोवाइड साइकोसोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा जो लिखा है ये एक्चुअली मनोदर्पण इनिशिएटिव है ठीक है स्टेटमेंट टू क्या है it is a collaborative initiative of ministry of health, indian council of medical research, state governments and the world health organization. this statement is very correct. so the answer is option b2 only. surja puri and bajika, often heard in the news, is related to video post-kigi or answer now the answer is option डी लैंग्वेज डायलेक्ट्स देखिए मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसे रिलेटेड न्यूज आया था पिछले एक दो हफ्ते में इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक तो है तो लैंग्वेज डायलैक्ट्स से बेसिकली सुरजापुरी एंड बाचिका देखिए बिहार स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेडमी सेटअप करने वाला है दोस्तों फॉर द प्रमोशन ऑफ सुरजापुरी एंड बाचिका डायलैक्ट्स ये बेसिकली डायलैक्ट है ठीक है बोली है बेसिकली तो सुरजापुरी बोली जाती है किशनगंज में

अगला बातची का ये भी वन ऑफ द फाइव डायलेक्ट्स है जो बिहार में बोली जाती है इट इज़ ए मिक्स ऑफ हिंदी एंड मैथिली ठीक है ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर में पार्ट्स ऑफ सीतामढ़ी शौहर समस्तीपुर ये सब जगह में भोली बात बोली जाती है सो द आंसर इज ऑप्शन डी दे आर लैंग्वेज डायलेक्ट्स अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्री गार्डन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए वैसे न्यूट्री गार्डन के बारे में रिसेंटली हमने डेली न्यूज़ में भी डिस्कस किया था आंसर बताने की कोशिश कीजिए न्यूट्री गलीफ किचन गार्डन बेसिकली एक है दोस्तों इन वि अपने घर में एक किचन गार्डन सेटअप करने का एक स्कीम आप बोल सकते हैं न्यूट्री ग जो है तो बेसिकली पोषण अभियान के अंडर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था इट प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट पोषण वाटिकास और न्यूट्री गार्डन्स न्यूट्री गार्डन्स का जो हिंदी वर्ड है वो है पोषण वाटिका ठीक है तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमें एशियन अफोर्डेबल एक्सेस होगा अपने घर में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है इट एनहैंस डायट्री डाइवर्सिटी बाई प्रोवाइडिंग की माइक्रो न्यूट्रियट्स थ्रू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखिए लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेल से हमें जो माइक्रो न्यूट्रियट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है ऐसे बोला जाता है कि हमें बाहर से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना वो नहीं खाना चाहिए हमारा इलाके में हमारे इलाके में जो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं ना उसी को हमें कंज्यूम करना चाहिए ठीक है तो बेसिकली लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट करने का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को दूर करने का एक स्कीमा बोल सकते हैं न्यूट्री गार्डन जो है ठीक है अगला क्वेश्चन है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑफ हेड इन द न्यूज इज रिलीज बाई कौन रिलीज करता है दोस्तों इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट टू टू आंसर इज ऑप्शन बी ऑक्सफाम इंडिया देखिए इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू रीसेंटली ऑक्सफार्म इंडिया ने रिलीज किया था इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स है दोस्तों इंडियन वीमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब मार्केट देखिए इधर बेसिकली जेंडर इनक्वाल्टिटी की बात किया जा रहा है वीमेन को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है जॉब मार्केट में और मैन से कम वो एंड करती है ठीक है जब उनके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सेम होते हैं तो इसके बारे में ये रिपोर्ट आया था और देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अकाउंट्स फॉर ओवर नाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गैप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इवन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ट्राइबल पीपल मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एस सी एस टी एंड रुपीज फाइव थाउजेंड लेस नॉन एस सी एस टी देखिए दोस्तों जो एस सी एस टी है वो भी कम एंड करते हैं नॉन एस सी एस टी से कम से कम पांच हजार कम तो ये भी एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है ना नॉन मुस्लिम्स एंड सेवन थाउजेंड रुपीज मोर देन मुस्लिम्स जो मुस्लिम से वो नॉन मुस्लिम से 7000 कम थाउस कर रहा है तो इस तरह के कई सारे पोन्ट इंक्लूडेड था ये जो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 तो में और ये रिलीज करता है इंडिया अगला क्वेश्चन है द ग्रीन इवेंट्स टूल दैट इज जी इज ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू हेल्प इंप्रूव एंड इवैल्यूएट द सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ इवेंट्स ऑफन ऑफ इन द न्यूज इज रिलेटेड टू तो बेसिकली आपको ये बताना है ग्रीन इवेंट्स टूल किससे रिलेटेड है? प्रोग्राम देखिए दोस्तों यूएनएफ ट्रिपल सी यू एन ईपी एंड गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज जीओ आरबी इन्होंने जीईटी अनवील किया था विद द एम टू एंकरेज एक्शंस टू रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑन क्लाइमेट तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेरियस नेचुरल इवेंट्स हो रहा है एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स हो रहा है वो सबके इंपैक्ट कम करने के लिए एक्शंस को प्रमोट करने के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी यू एन ईपी गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था ग्रीन इवेंट्स टूल जो है ठीक है वैसे ये प्रपोज किया था लास्ट ईयर सीओपी ट्वेंटी सिक्स में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ग्रीन इवेंट्स टूल इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम नाउ क्वेश्चन इन एम दामोदरन कमेटी ऑफ एंड हेड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स देखिए द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन एंड सजेस्ट अप्रोप्रियट मेजर्स टू एड्रेस रेगुलेटरी एंड अदर इश्यूज टू इनबल स्केलिंग अप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों ये वेंचर कैपिटल मतलब इसका मतलब है दोस्तों जब आप कोई रिस्की बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना आपको पता है कि ये बिजनेस रिस्की है फिर तो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो इसे वेंचर कैपिटल बोलते हैं ठीक है सो वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है इसमें जो इश्यूज हो रहा है वो सबको रेगुलेट करने के लिए बाकी सारे इश्यूज को देखने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया था एम दामोदरन यह है एम दामोदरन कमेटी ही इज फॉर्मर सेबी चेयरमैन ठीक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे एम दामोदरन तो द कमेटी विल सजेस्ट मेजेज टू फर्दर एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन टू स्टार्टअप्स एंड सनराइज सेक्टर्स तो जितने स्टार्टअप सेक्टर्स है सनराइज सेक्टर्स है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करने के लिए मेशेज ये कमेटी सजेस्ट करेंगे ठीक है नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन ए बॉयज और आर करेक्ट बेसिकली चीतास के बारे में रिसेंटली चीतास को इंट्रोड्यूस किया था कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वीडियो कीजिए और स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए आंसर इज़ ऑप्शन ए एंड स्टेटमेंट थ्री गलत है देखिए पहला क्या लिखा है आफ्रीकन चीता देखिए आफ्रिकन चीतास और एशियन चीतास में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है दोस्तों इनके जो फेस है ना बेसिकली कुछ स्पॉट्स एंड लाइंस है अगर आप एशियन चीता से कंपेयर करोगे वैसे एशियन चीतास जो है एक्सटेंट हो चुका है बात आपको पता है हमने डिटेल में डिस्कस किए थे डेली न्यूज़ में फिर एशियन चीतास चीता वॉस डिक्लेयर एक्सटेंट इन इंडिया नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन फिफ्टी टू में एशियन चीता बेसिकली एक्सटेंट हो चुका था और अफ्रीकन चीतास आर लेसर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों ठीक है अफ्रीकन चीतास एक्चुअली लार्जर इन साइज है जैसे कि अफ्रीकन लाइन्स जो है वो भी लार्जर है एशियन लाइन्स है वैसे ही है ठीक है तो स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ डिटेल्स लिखा है सब आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा वैसे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल में ठीक है तो ये नहीं तो आप पोस्ट करके भी पढ़ सकते हो कुछ डिफरेंसेस है अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता के बीच में क्वेश्चन नंबर लेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटना वसल केव्स केविच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए न्यू द आंसर इज ऑप्शन बी वन एंड थ्री उल्ली स्टेटमेंट टू गलत है पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों देखिए सितनावासल केव्स सेकेंड सेंचुरी तमिल रामा केव कॉम्प्लेक्स है जो सितनावासल हैमलेट इन तमिलनाडु पुदुकोटे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ठीक है ये रॉकेट मोनास्ट्री और टेम्पल सेवसा से मोन्यूमेंट बेसिकली एक मोनास्ट्री है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आप बोल सकते हैं एंड uh, सितना लिटरली ट्रांसलेस टू अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेंट्स इन तमिल सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोला ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नहीं है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म ठीक है जैनिज्म से कनेक्शन है पर बुद्धिज्म से कनेक्शन नहीं है ठीक है सो इट इज नोन एज अरिवार कोविल कोविल मतलब तमिल में टेम्पल होता है तो यह जो पर्टिकुलर मोन्यूमेंट अरिवार कोविल भी बोलते हैं सितना वासल का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ द ग्रेट सेंट्स इन तमिल इट हैज रिलिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रेस्कोस फ्रॉम सेंचुरी रिलेटेड काफी रिलिक्स आपको देखने को मिलेगा सितना वासल में नॉर्थ साउथ रनिंग रॉकेट केव है लोकेटेड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ ए हिल तो एक हिल का वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है दोस्तों द सितना वासल विलेज डेट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बी सी टू देंथ सेंचुरी ए डी वन जेनिज प्रवलन इन द रीजन तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से टेंथ सेंचुरी ए डी तक जब उस रीजन में जेनिशम प्रविलन था तब सितना वासल विलेज हुआ करता था बाकी कुछ डिटेल्स है दोस्तों पढ़ सकते हो हम स्टेटमेंट्स चेक करते हैं इट इज द सेकेंड सेंचुरी तमिल रामा केव कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन द सितनावासल वासल इन तमिलनाडु दिस इज करेक्ट ये मैंने आपको बता दिया सितनावासल केव्स केव वेअर बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंटर द पैटर्नेज ऑफ वकटका किंग हरिसेना ये गलत है दोस्तों मैंने आपको कहीं नहीं बताया ये बुद्धिस्ट मॉन्स से रिलेटेड है वैसे जेनिसम से रिलेटेड आप फिर भी बोल सकते हो ठीक है एंड द पेंटिंग्स वेर क्रिएटेड यूसिंग ए फ्रेस्को सेकोड टेक्निक यूसिंग ए वेराइटी ऑफ मिनरल कर्ल्स देखिए फ्रेस्को सेको टेक्निक मतलब ऐसे एक टेक्निक है जिसमें पेंटिंग्स बनाते हैं मिनरल कलर्स यूज करके तो इससे इस केव में पेंटिंग्स भी है ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन बी वन एंड थ्री ओनली वैसे मैंने इधर आपको फ्रेस्को के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट टू गलत क्यों है दोस्तों द केव टेम्पल वॉज पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन प्रिय टू इट कन्वर्शन फ्रॉम जेनिज्म हिंदुइज्म तो जब पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन जेनिज्म फॉलो करते थे तब उन्होंने बनवाया था ये केव टेम्पल ठीक है एन इंस्क्रिप्शन हाउवर क्रेडिट्स इट्स रिस्टोरेशन टू ए पांड्या किंग देखिए इस केव के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है एक पांड्या किंग मरन सेंटेन इस केव को रिस्टोर किया था करके ठीक है बेसिकली इस केव टेम्पल को रिस्टोर किया किया था करके द रामा बर्ड्स ऑन द हिल टॉप आर तो टू हा बिलोंग टू ए जेन सेंटर दैट लास्टेड अंटिल द नाइन्थ सेंचुरी एडी तो बेसिकली जेनिजम से रिलेटेड काफी सारे एविडेंस है दोस्तों इस पर्टिकुलर केव टेम्पल में वो सब लिखा हुआ है आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है सितना वसल के उसके बारे में रीजेंटली न्यूज में आया था तो उसके बारे में मैक्सिमम डिटेल्स आप कलेक्ट कीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकताक लेक वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली स्टेटमेंट वन एंड टू गलत है दोस्तों देखिए लोकताक लेक एक फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लेक को रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन में डिजिग्नेट किया था ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइन्टीन नाइनटी को इट वॉज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्डिंग नाइनटीन नाइन्टी थ्री ठीक है और कालीजाई टेम्पल लोकेटेड ऑन आईलैंड द चिल्का लेक देखिए ओडिशा में जो चिल्का लेक है ना उसमें एक आइलैंड में लोकेटेड है कालीजाई टेम्पल लोकताक टेम्पल में नहीं ठीक है और देखिए इट होस्ट हंड्रेड्स ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स कॉल्ड फुमडीज विथ मल्टीपल प्लान स्पीशज एंड केबल लमजाव नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड देखिए लोकतक लेक के बारे में सुने से आपको सबसे पहला याद आना चाहिए एक तो जो केबल लमजाओ नेशनल पार्क है ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों वर्ल्ड में बेसिकली लोकतक लेक के ऊपर फुमडीज रहता है मल्टीपल प्लान्ट स्पीशीज है वही है बेसिकली ये जो केबल लमजाओ नेशनल पार्क जो है इधर डांसिंग डियर करके एक, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी रहता है संघाई मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है एक बार के बी सी में क्वेश्चन पूछा था आपको शायद याद होगा तो संगाई को डांसिंग डियर भी बोलते हैं क्योंकि ये जिस तरह चलते हैं ना ऐसा लगेगा आपने डांस कर रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विनफॉल टैक्स रिसेंटली हमने डेली न्यूज में विनफॉल टैक्स के बारे में डिस्कस किया था देखिए स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली देखिए टैक्स क्या होता है ये सबसे पहले बताता हूं दे आर डिजाइन टू टैक्स द कंपनी फ्रॉम एन अनप्रेजिडेंट इवेंट फॉर इंस्टेंस एनर्जी प्राइस रिजल्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखिए जब एक कंपनी को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता है एक अनप्रेजिडेंटेड इवेंट से उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं ना उसे विनफोल टैक्स बोलते हैं जैसे कि अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी प्राइस राइज हुआ था अवेलेबिलिटी कम होने से एनर्जी प्राइस राइज हुआ था फ्यूल का राइज हुआ था तो तब कुछ कंपनीज को अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया ना तो इस प्रॉफिट के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं उसे विनफोल्ड टैक्स बोलते हैं ये 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इससे पहले ये नहीं था और ये जो टैक्स है जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने इंपोज किया था बेसिकली ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है ना उन्हीं को टारगेट करते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ये जियो इवेंट से ठीक है सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है दोस्तों इट इज इनकम टैक्स पेबल बाई स्टार्टअप्स रेस्ट बाई गलत है ठीक है सो आई होप आपको समझ में आ गया टैक्स क्या होता है नाउ क्वेश्चन नंबर शेल कंपनी क्या होता है वेरी इसी क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन देखिए काफ़ी सारे शेल कंपनीज को गवर्नमेंट इंटरवेन करके बंद करवाया था वैसे शेल कंपनी मतलब क्या होता है इट इज़ ए कॉर्पोरेट एंटिटी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट एसेट्स एंड दे आर नॉट इलीगल देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज ना टैक्स बचाने के लिए दूसरे कंपनी खोल देते हैं बस नाम के लिए पर उस कंपनी में कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहा होगा कोई सिग्निफिकेंट एसेट्स भी नहीं होगा उस कंपनी के पास केवल नाम पे कंपनी खोल के रखेगा और ये इलीगल भी नहीं है ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल इलीगल है पर कभी कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज टैक्स अवॉर्डेंट के लिए इस तरह काम करते हैं ठीक है थीके? इसे शेल कंपनीज बोलते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों द कंपनीज एक्ट टूजेंडीन डस नॉट डिफेंड दू थान में नहीं है ये स्टेटमेंट भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है ध्यान दीजिएगा ठीक है सो आंसर इज ऑप्शन ए इट इज ए कॉर्पोरेट एंटिटी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन लास्ट क्वेश्चन

सॉरी होसाशरा टेम्पल और हालाबिडू टेम्पल इट इज सेट टू बी द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट इन हालेबिडू ए टाउन इन कर्नाटका एंड द दिल कैपिटल ऑफ होम्पायर तो देखिए होशाला एम्पायर का कैपिटल हालेबिडू में लार्जेस्ट मोन्यूमेंट आप बोल सकते हैं होसाला टेम्पल जिसे होसलेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं या फिर हालेबिडू टेम्पल भी बोलते हैं ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है ट्वेल्थ सेंचुरी टेम्पल है एंड इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई किंग विष्णुवर्थना ठीक है एंड सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स सर कुछ फेमस टेम्पल्स के बारे में लिखा है दोस्तों होसालेश्वर टेम्पल एंड हालाबिट कर्नाटका फिर चेन्नई केशवर टेम्पल सोमनाथपुरा कर्नाटका में है फिर केशवा टेम्पल बेलूर कर्नाटका में है बिल्ट बाई विष्णुवर्धन ये सारे होसाला एम्पायर से रिलेटेड है सो द आंसर इज ऑप्शन ए होसाला डिनास्टी तो दोस्तों दैट्स आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओगे लक्ष्य की पी डी एफ एस यूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाई है